आज देखिए, हम सब लोगों ने जो सपना देखा था कि भारत एक दिन विश्व गुरु की ओर जाएगा, आज धीरे धीरे वो सपना सच होता हम देख रहे हैं। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं और उनके पीछे दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चलते हुए हमको दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत कहां पहुंच गया। दोस्तों, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत देश का सम्मान है, भारत देश का सम्मान है। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा देश, मजबूत देश माना जाता है, सबसे पैसे वाला देश माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मोदी जी अगर अमेरिका आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने लोग उनके कार्यक्रम के पास और टिकट हमको मांगते हैं कि हम उनको नहीं दे पाते। मोदी जी का सिग्नेचर वो मांगते हैं, कोई राष्ट्रपति आकर मोदी जी के पैर छूते हैं, कोई राष्ट्रपति आकर मोदी जी को बॉस बोलते हैं। इस प्रकार का चित्र मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारे मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, भले आदमी थे, आदमी अच्छे थे, लेकिन जब इस प्रकार के G20 के मंच पर जाते थे पता ही नहीं चलता था कहां है, फोटो में कहां खड़े ये भी पता नहीं चलता था, कब आए कब गए पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज परिस्थिति ऐसी है कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए खड़े हैं, मोदी जी के साथ लाइन लगाकर हाथ मिला रहे हैं। ये भारत को इस मकाम पर मोदी जी लेकर गए। इसलिए दोस्तों, अब जो सरकार चुननी है वो मोदी जी का साथ देने वाली सरकार चुननी है। मैं आपको बताता हूं, अगले 5 साल ये भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। मोदी जी ने एक ऐसे मकाम पर लाकर हमको खड़ा किया है, अब हमको कोई रोक नहीं सकता, अब दुनिया की कोई ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती, और इस प्रगति के साथ राजस्थान को भी लेकर हमें जाना है।